साहब, हम मजदूर आदमी हैं, अपना मेहनत बेचते हैं, अपना ईमान नहीं। देखा है हमने तुम्हारा उस्तादी भी और ड्राइवरी भी, माँ से तुम्हारा ख्वाब है, तुम कभी भी लाल का ड्राइवर नहीं बन सकते। चुरचुरिश्त है, चलो गाड़ी को कपड़ा लगाओ, चलो मुर्दार। तुम ठीक बोलते हैं शेर खान, हम तुमको मजीद इम्तिहान में नहीं डालेगा, सिर्फ एक महीने का टाइम हमको दो। अगर गुलाला इस अरसे में हमारे से ट्रक पर मजदूरी के लिए रवाना हो गए तो ठीक है, अगर नहीं हो गया तो तुम अपने फैसले के लिए आजाद है। अस्सलाम वालेकुम। कब तक चलेगा तुम्हारा वादा करती, कब सुधरेगा तुम? तो हम और क्या करे बाबा, कोई ढंग का काम मिलेगा तो करेगा ना। पांच जमात भी पास नहीं किया है तुमने, तुमको कोई कलेक्ट्री की नौकरी नहीं देगा। तुम भी उसी से जिंदगी शुरू करो जिससे तुम्हारे बाप दादा ने जिंदगी शुरू किया, कैलेंडरी। Do you know why people like to hunt? Because it's fun to kill an animal where it lives. And after killing it, if you eat the meat, oh, it tastes so much better. What are you talking about? I'm just making the connection. Correct? I know. This is your place. And I'm here. I am here! What can you do about it? When I said I listened to my wife, I wasn't lying. And you know what she said this morning? Don't trust a spineless person. Don't do anything stupid, Tapu. It will lead to a war this land have never seen before. And where are you going? I'm going to Pakistan by the Punjab pass. Ask where I go. So you are Pakistani? No. I'm English. English? We have many ISI agents in our country. The Punjabis come here to meet with Taliban. Who are you? I'm not from Pakistan. Okay, I'm from Leeds, England. Then it's a mystery to me as to why would you be out here? I'm fleeing to Pakistan. The Taliban government in Kandahar are after me. Okay. They're going to kill me. So I have to escape across the border. English? Yeah, I'm English. Tell me, Englishman, what year your great nation win the FIFA Football World Cup? ...1966. We also do not like the regime. Assalamu alaikum. मैं हूं खुर्रम सुहेल और आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो अपने मुख्तलिफ अदवार से दोचार रही है और अब भी कोरोना की वबा आने के बाद एक सवाल पैदा हो गया है कि हमारी इंडस्ट्री का रिवाइवल हो सकेगा या नहीं, और ख़ास तौर पर इससे जुड़े हुए अदाकार, फनकार, हुनरमंद, उनके काम के हवाले से क्या सूरत हाल आगे चल के बनेगी। कुछ इस तरह की बातें और उसके साथ साथ एक बहुत ही उम्दा अदाकार, बहुत ही अच्छे फनकार, आज हमने उनको मधु किया है यहाँ बात करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस गुफ्तगू में
आपको बहुत कुछ नया सुनने समझने और सीखने को मिलेगा। आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान के माया नाज, अदाकार, प्रोड्यूसर और उसके साथ साथ बहुत सारी जबानों के माहिर और सबसे बड़ी बात बेहतरीन शख्सियत हमीद शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? ठीक हैं भाई। आप तो परदेसी हो गए, अब आप अमेरिका में रहते हैं और बहुत कम कम आपका पाकिस्तान आना होता है। काम की नौीयत ऐसी कि वहीं पे मेरा एक मेरी ज़िंदगी मेरा रोज़गार लगा हुआ है और ऐसा काम है कि वहाँ से टाइम ही नहीं मिलता कि बंदा वापस आ सके। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोरोना की वबा से ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया मुतासिर है और आप इन दिनों अमेरिका में मौजूद हैं और वहाँ आप मुख्तलिफ जो फिल्म के प्रोजेक्ट्स हैं या डॉक्यूमेंट्री के प्रोजेक्ट्स हैं वो आप कर रहे हैं, तो क्या वहाँ की इंडस्ट्री कितनी मुतासिर हुई है और हमारी इंडस्ट्री तो वैसे ही मुतासर थी, इसके मुस्तकबिल को मज़ीद आप इस कोरोना की वबा के साथ जोड़ के कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल बजा फरमाया आपने, हमारी इंडस्ट्री इससे पहले ही बहुत ज़्यादा मुतासर है। आप देख रहे होंगे कि जब से हमने फॉरेन कंटेंट स्पेशली इंडियन फिल्मों को बंद किया है और हमारा फोटिन हमारे सिनेमा में लोग जो आते थे देखने के लिए फिल्में, हमारी फिल्में कभी भी उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं थी, सेकेंड चॉइस होती हैं, इसमें झूठ नहीं है, सच बोलना चाहिए। लोग कमर्शियल फिल्में देखना चाहते हैं और उनकी फिल्मों की वजह से हमारे लोग आते थे हमारी फिल्में देखने के लिए। वो बंद हुई तो हमारा इंडस्ट्री वैसे ही बहुत ज़्यादा मुतासर हुई हुई थी और काम लोग फुटिन नहीं था तो बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था और नए इन्वेस्टर्स के लिए ये सबसे बड़ी परेशानी की बात थी कि वो पैसे कैसे लगाएं जो निकलेंगे ही नहीं। तो हम वैसे ही डिक्लाइन पे थे और कोरोना ने तो उस पर सोने पे सुहागा और भी हमारा जो है वो काम ख़राब कर दिया। और मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक हम रिवील की तरफ बहुत अभी रुक से गए हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत जो काम हो रहा है वो कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है, वो बहुत ही हल्की सी मूवमेंट है अगर मार्केट में इसको आप देखें और उस हमारे मुकाबले में बहुत सारा काम आ रहा है। वो काम किसी न किसी तरह से व्यूअर के पास पहुँच जाता है, अगर वो सिनेमा पर नहीं देख सकते वो अपने घर में ज़रूर देख लेते हैं वो काम किसी भी मुल्क का। तो हम किसी चीज़ को रोक नहीं सकते। सिनेमा का बिज़नेस भी तबाह हो गया और हमारा व्यूअर जो है हमारा क्लाइंट जो हमारे पास जो थोड़ी बहुत जो जनरेट करा था हमारा लोकल प्रोड्यूसर इन्वेस्टर वो भी हमारे हाथ से निकल गया। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले तो एक इनिशिएटिव ले और हमारे फॉरेन कंटेंट को चाहे वो किसी भी मुल्क का कंटेंट हो उसको चलाने दें। दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम किसी तरह से फॉरेन कंट्रीज़ के साथ मिल के जॉइंट वेंचर्स करें। जॉइंट वेंचर्स में सबसे जो इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं तुर्की हमारा बहुत हमसाया अच्छा मुल्क है, उनके पास बहुत बड़ी मार्केट है। चाइना हमारे पास एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। चाइना के मुकाबले में तो मैं समझता हूँ दुनिया में कोई बड़ी मार्केट है ही नहीं कि जिनके पास 30,000 सिनेमाज़ हैं और अगर 30,000 सिनेमा में हमारी फिल्म लगती है, चाहे वो एक फिल्म भी लगती है, तो आप सोचेंगे अगर वो 3,000 में भी लगती है तो कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए जब बेल्ट एंड रोड की बात हो रही है तो इसको भी लेकर आए सामने, हमारे जो क्रॉस कल्चर एक जो एक ट्रांजेक्शन होती हैं चीज़ों की उसमें हमारे काम को जो है वहाँ पर मार्केट किया जाए। मैं कोशिश मेरी भी है और मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के तवज्जो से कि किसी तरह से हमारे वो रास्ते खोले, हमारे मुल्क में जितने लोग बैठे हुए इन्वेस्टर्स बैठे हुए या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कोई भी किसी भी तरह की मूवी हो उसको मार्केट करने के लिए हमारे पास चीज़ें बनाना मुश्किल नहीं है। सॉफ्टवेयर फिल्म बनाना किसी भी तरह की फिल्म बनाना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। हमारे मुल्क में अल्लाह का शुक्र है हर तरह का सिनेमा का आदमी बैठा हुआ है, वो कमर्शियल का भी बैठा हुआ है, वो कोई डार्क सिनेमा का भी जो है फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर यानी हर तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मार्केट करने की। हमारे मुल्क में ये सब कुछ हो सकता है, गवर्नमेंट को चाहिए कि किसी तरह से हमारी चीज़ों को मार्केट करे और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से करे। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन उस वक्त होगी जब हम इस तरह का प्रोजेक्ट पिच कर सकेंगे जो दूसरे मुल्क को भी जो हमारे साथ जो करना चाहेगा जॉइंट वेंचर उसको भी कोई फ़ायदा नज़र आए। और ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जिनको हमारे काम में और उनके काम के साथ मिलके हम बड़े आराम से पजीराई हासिल कर सकते हैं, अच्छे पैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है। बाकी तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे भी किसी भी तरह का काम जो है वो इस काबिल है या उसकी क्वालिटी इस काबिल है कि हम उसको किसी भी आजकल जो वेब बेस्ड टीवी चैनल्स हैं नेटफ्लिक्स हो गया अमेज़ॉन हो गया उस पर हम जो है उसको मार्केट कर सकें क्योंकि हमारा उसका क्वालिटी में बड़ा बहुत फ़र्क है और हम इस तरह का वो काम उनको चाहिए नहीं, उनको बहुत ही ज़रा और तरह का काम चाहिए जिसमें हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो काम कर सकते हैं लेकिन उनको वो मार्केट का वो जो प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा। ये कुछ हैं जो मैं समझता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे हमें कंसीडर करना चाहिए अपने काम के बारे में। ये तो बात ठीक है कि हमें अपनी मार्केट खोलनी चाहिए और लोगों के लिए जो बाहर दुनिया में काम हो रहा है और दुनिया में अपना काम लेके जाना चाहिए, ये बात दुरुस्त है। लेकिन अभी हमारे फनकारों का एक बहुत बड़ा तबका
ये कहता है कि ये तुर्की का कंटेंट क्यों लाए हैं, इससे हमारा करियर ख़त्म हो जाएगा, हमारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, इस वाली राय को आप किस तरह देखते हैं? मैं इस वाली राय के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। आप किसी भी काम आने से मेरा ख्याल हमें मुकाबले की सतह पर जाना चाहिए। हम ज़रा इस बात को ज़रा ब्राइटली सोचें और पॉजिटिवली सोचें कि हमें काम के कंपटीशन में आना है। ये नहीं कि आप सारी ज़िंदगी जो ना मैं कुएं का मेंढक बन के बैठा रहूं। जैसे इंडियन फिल्में बंद कराई इन्होंने, आप कुछ भी बंद करवा लें, काम दुनिया का आएगा आपके सामने, आपके व्यूवर देखेगा, उसके पास ऑप्शन है। आपने काम में इम्प्रूवमेंट लानी है, बजाय इसके कि आप काम किसी का रोक दें। आप रोक नहीं सकते किसी का काम, काम में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी आपको, मुकाबले की सतह पर आना पड़ेगा ताकि आप कम्पीट कर सकें, वरना तो हम बैठे रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने पाकिस्तान में बहुत बड़ी फिल्मों में काम किया, जैसे खुदा के लिए और मोर, और इसके साथ साथ टिब्बी गली, जिससे आपका करियर, फिल्मी करियर शुरू होता है। तो पहले तो मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तानी कमर्शियल सिनेमा और पाकिस्तानी पैरेलल सिनेमा, इसको आप कोई मवाजना करते हैं क्या? आपकी नज़र में कोई पैरेलल सिनेमा है भी अब पाकिस्तान में या नहीं है, या था, कभी था, क्या, किस तरह देखते हैं? देखिए, पैरेलल सिनेमा कभी था तो नहीं, लेकिन कुछ सालों से कुछ ऐसे लोगों ने, कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने, जिसमें कुछ मैं नाम लेना चाहूँगा, फरियाल गोहर भी हैं, जमाल शाह साहब हैं, जामी साहब हैं, चार छः और नाम हैं जिन्होंने पैरेलल सिनेमा पे काम किया और काम बहुत अच्छा किया। और पैरेलल सिनेमा की भी एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसको सिर्फ एक आप ये नहीं समझें कि वो कमर्शियल सिनेमा में नहीं आता। कोई भी चीज़, मैं नदीम मांडवी वाला साहब की बात कोट करूँगा यहाँ पे, वो हमेशा कहते हैं कि जब पैसे लग गए तो वो कमर्शियल हो गई। वाह, तो कमर्शियल सिनेमा तो जरूरी तो नहीं है कि आप कमर्शियल फिल्में ही बनाएंगे। आर्ट सिनेमा के लिए भी आपको पैसे चाहिए और फिल्म पैसे पे ही बनती है, मुफ्त नहीं बनती। और पैरेलल सिनेमा में ये सहूलत है कि आपके पास छोटे बजट में भी मौजूदात होते हैं, जिस तरह इंडिया ट्रीट करता है। आप कह सकते हैं इस बात को, लेकिन बाज़ दफ़ा आपको वो चीज़, जैसे जामी साहब ने बहुत अच्छे खासे पैसे लगा दिए, वो एक कमर्शियल फिल्म में उससे शायद कम लगते हों, क्योंकि वो मोर में जिस तरह से, जिस कंडीशन में हमने शूट की, जिस टेम्परेचर में हमने शूट की, वो कोई लग्जरी नहीं था वहाँ पे, लेकिन वो जो नेसेसिटीज़ थी वो भी वहाँ पे पूरी करना बहुत मुश्किल काम था। उस टेम्परेचर में बहुत से लोग बेचारे जो है वो काम मूव ही नहीं कर सकते थे, और उन सबको पैम्पर करके काम करवाना, हमारे बहुत सारे एक्टर, सीनियर एक्टर्स थे, बहुत सारे हमारे क्रू के मेम्बर्स थे। रघु, क्या हो गया? चलो, हम तो गैर हूँ, क्या करेंगे इधर? तुम गैर है? किस पागल ने तुमको बोल दिया कि तुम गैर है? तुम तो अपनों से भी ज्यादा नास्तिक है। चाबी दो। ऐसा बोलो, चाबी मांगता है? चाबी यार बगू, बात सुनो, बात सुनो, हमारा पकड़ो चाबी। क्या? आज से तुम खोज के स्टेशन मास्टर है। एक वादा करो कि तुम उसका दिल से ख्याल रखेगा। चल। ओ चलो साहिबा, हमारा फोन जाम हो गया, ये स्टेशन अब कैसे चलाऊंगा? उनकी ये काविशें, उनकी बड़ी सख्त वो थी, मैंने एक, मैं समझता हूँ कि बहुत सख्त प्रोडक्शन थी अपने क्रू के लिए, स्पेशली कराची से आए हुए बंदे और लाहौर से आए हुए बंदे, और उस मौसम में काम करना वो बहुत मुश्किल काम था। मैं समझता हूँ उसमें पैसे बहुत ज़्यादा इसीलिए लगे क्योंकि वो चीज़ें सारी उस इलाके में जाकर सारी अरेंज करना वो बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल काम। तो पैरेलल सिनेमा के मुकाबले में अगर आप कमर्शियल सिनेमा को, वो महंगी पड़ी, महंगी पड़ी। और आपने तो बड़ी उसके लिए तैयारी भी की, वेट बढ़ाया, अपनी स्किन को ख़राब किया। तो माजरत के साथ, अमूमन हमारे यहाँ अदाकार इतनी मेहनत नहीं करते अपने किरदार के लिए। मैं समझता हूँ कि सिनेमा जो है वो एक काला जादू है जो अंधेरे में होता है, अंधेरे में देखा जाता है। तो ज़िंदगी में एक ही चांस मिलता है आपको कुछ करने के लिए। आप, मेरा ख्याल है कि मोर एक ही दफ़ा बनी है, दोबारा नहीं बनेगी बेशक। और अगर मैं उसमें अपनी वो छोटी सी कुर्बानी, मेरी जो है वो अगर 100 साल या 1000 साल के लिए रह जाती है डिजिटल मीडियम पे या किसी भी फॉर्मेट पे, तो वो बहुत बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं है, क्योंकि मैंने एक हिस्ट्री का हिस्सा बन गया हूँ, या वो जो कुछ भी था उसके अंदर वो हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। तो ये आपका अपना डिसीजन था या डायरेक्टर का भी कुछ मशवरा था? कि उसमें डायरेक्टर का भी मशवरा था, नो डाउट, कि उसने भी मुझे बहुत सारी चीज़ें दी, और मैंने डायरेक्टर का कंट्रीब्यूशन में इतना समझूंगा कि उसने मुझे बहुत लग्जरी किया। एक एक्टर को अगर आप काम, अच्छा काम लेना चाहते हैं,
तो उसको वो एटमॉस्फेयर में उसको वो ने मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि जब हम शूट कर रहे होते थे तो जामी साहब स्पेशली मेरे लिए एक म्यूजिक का पीस बजवाते थे। अच्छा, वो म्यूजिक का पीस ऐसा था कि मेरे रंगूठे, अब भी मैं उसको सोचता हूँ तो मेरे रंगूठे खड़े हो जाते हैं। वाह, वो मेरे कैरेक्टर से इतना लिंक था वो म्यूजिक का पीस, यानी मैं उसमें खो जाता था कि यार ये तो ये लग्जरी है कि बड़ा एक स्पीकर लगा हुआ है, माइनस टेम्परेचर चल रहा है और आपको वो म्यूजिक मिल रहा है और फिर आप उसे परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी बॉडी मूवमेंट, आपका दिमाग, आपके जहन में जो कुछ जो मेमोरीज हैं उस कैरेक्टर की वो लेके आप चल रहे हैं, उसमें नेचुरली वो आपका कर्व जो है वो चेहरे पर आ जाता है। उसमें डायरेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, नो डाउट, लेकिन प्लस आपको बहुत सारी चीज़ें खुद भी समझ आती हैं कि यार मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, बींग एन एक्टर मैं क्या कर सकता हूँ, किस टेम्परेचर में काम कर सकता हूँ, यानी मैं जितनी सख्तियाँ मेरे आप लोगों को शायद स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रही होंगी, जो सख्तियाँ मैं गुजार सकता था मैंने गुजारी और उसको मैं बाद में तक लग्जरी इंजॉय कर रहा हूँ। नहीं, बहुत बाकी वो काम भी आपका याद रखने वाला काम है। अच्छा, खुदा के लिए में भी आपका रोल मुख्तसर था लेकिन बहरहाल वो पूरा असर था, तो क्या कोई ख़ास उसकी भी तैयारी थी शुएब साहब? बिल्कुल, उसके लिए भी मेरी रिसर्च थी और जो उसमें मेरा एक टिपिकल रोल था और जिस तरह का वो रोल था, एक तालिबान टाइप रोल, और उसमें तालिबान, मैं अफगानिस्तान के बॉर्डर पर रहता हूँ, क्वेटा में रहता हूँ, मुझे पश्तो लैंग्वेज आती है और मैं बहुत करीब हूँ उनसे और मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो CNN न्यूज़ के साथ है और मैं बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू भी कर चुका हूँ, तो मैं एज ए प्रोड्यूसर, कैमरामैन, ट्रांसलेटर वॉर ऑन टेरर जॉब देख रहे थे, मैं दुनिया का वाहिद आदमी था जो मुल्ला उमर के घर तक पहुँचा था, हामिद करजई को पहले इंटरव्यू मैंने ही करवाया था कुछ जयमानपुर के साथ और बाद में निक रॉबर्टसन के साथ था, तो वार पे जो जितना भी था तो मैं उनसे बहुत करीब था, जो तालिबान थे, तालिबान सारा मुशाहिदा आपके सामने था। मुशाहिदा क्या, वो हमारे कल्चर का हिस्सा है, मैं जिस शहर में रहता हूँ हमारे साथ सब ये अफगान हमारे भाई हमारे साथ रहते हैं, कंधार का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, हमारे 60% जो है ना वो चीज़ें अफगानिस्तान से मुतासर हैं, हम खाते अफगानियों की तरह हैं, हमारा खाना पीना हमारा उन्हीं की तरह है, हमारा रहन सहन उन्हीं की तरह है, हमारे कपड़े उन्हीं की तरह हैं, हम बहुत करीब हैं, एक क्रॉस कल्चर सिटी है मेरी जिसमें मज़हब भी हैं बहुत सारे, प्लस लैंग्वेजेस भी हैं, प्लस ये कल्चरली हम बड़े रिच हैं, हमारे पास बलोच भी है, सिंधी भी है, पठान भी है, अफगानी भी है, उज़्बक भी है, पारसीमान भी है। ये मेरी खुशकिस्मती कि मैं एक ऐसे इलाके में, ऐसी जगह में पैदा हुआ हूँ जहाँ पर मैं ये सब कुछ अचीव कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, सही। तो टिब्बी गली आपकी जो एक ऐसी फिल्म थी जो एक मुतनाज़े मौजू पर थी, तो आपका कैरियर का आगाज़ भी था, तो ये डर नहीं लगा कि फिल्म के कैरियर का आगाज़ एक मुतनाज़ा मौजू से हो रहा है और उसको शायद उस तरह अवामी पज़ीराई ना मिले, क्या सोचा था उस वक्त? देखिए, मेरा मैंने आज तक ये नहीं सोचा कि मुझे कोई फेम चाहिए होगा। अगर मुझे फेम हासिल करना होता तो मैं कोई लॉलीपॉप बॉय बन के काम कर रहा होता। मैंने हमेशा करेक्टर को जो करेक्टर जो शख्सियत मेरे राइटर ने मेरे डायरेक्टर ने लिखी होती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको डिलीवर करूं और उसको 100% डिलीवर करूं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने आज तक मेरे जहन में ये बात आई हो कि मैं कोई बहुत खूबसूरत नज़र आ जाऊं स्क्रीन पे। नहीं नहीं, वो आप रूह की जमालियात वाले आदमी, वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है कि आप किसी के दिल तक पहुँच जाएँ, वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, गुफ्तगू करने को तो सुबह से शाम हो जाए, इतनी बातें हैं आपसे पूछने के लिए, क्योंकि आप प्रैक्टिकली फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं, फिल्म और ड्रामा आपका हवाला रहा, लेकिन मैं फिल्म पे आपसे बात हुई है थोड़ी सी और ड्रामे पर मैं बात करना चाहता हूँ जो माजी में आपने काम किया, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए ज़िंदगी में आपने कभी थिएटर किया? मेरी शुरुआत थिएटर पर ही हुई थी, मैं क्योंकि जी मैंने कहा वो आपके वो जो कहते हैं ना किसी बिल्डिंग के आसार देख के पता चल जाता है कि ये इसकी बुनियादों में क्या, तो आपकी बुनियादों में हमें थिएटर की महक आती है, तो इसलिए मैंने पूछा आपसे इस बात। बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं, आपने सही गैस किया। मेरी शुरुआत मेरे स्कूल थिएटर से हुई, मैं क्वेटा में एक संडेमन हाई स्कूल में जहाँ पे मैं पढ़ता था वहाँ पर मैंने जो है वो एक प्ले किया था थिएटर में, मैंने पहली मरतबा मेरी परफॉर्मेंस वहीं थी। अगर आपको याद हो कुछ सन वगैरह? बिल्कुल, वो 1982 की बात है और मैं बहुत छोटा सा था, जिसमें मैंने कर्नल का रोल किया था जो कि ब्रिटिश कर्नल होता है, और जो हमने ड्रामा थिएटर किया था वो बेसिकली 23 मार्च और 14 अगस्त के दरमियान में चलना था और पाकिस्तान और फ्रीडम के हवाले से था, ब्रिटिश राज से, तो उसमें मैंने कर्नल का रोल किया था। उसके बाद फिर मैंने बिरावी अदबी सोसाइटी, एक लोकल लैंग्वेज की एक सोसाइटी है, उस पर मैंने काम किया और फिर जमाल शाह साहब के साथ और फरियाल बीबी के साथ मैंने उनका थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, कारवान थिएटर्स, उस पर मैंने बहुत सारे प्ले कराची में आके किए, ब्रख्त के बहुत सारे ड्रामे किए,
जर्मन सेंटर में किए, गोते सेंटर में, प्लस फ्रेंच, ये जो फ्रेंच सेंटर है, अलायंस फ्रांस है, वहाँ पे किए, और जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद में किए, और उसके बाद फिर अमेरिकन के साथ काम किया, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली थिएटर की, अमेरिका जाके, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद उस वक्त अमेरिका नहीं गया, ठीक। ये मैं बहुत यंग यंग एज की बात कर रहा हूं। सही, अंदाजन कितना अरसा आपने कुल मिला के थिएटर? 5-7 साल काम किया थिएटर। अच्छा, तो कारवान के अलावा भी किसी ग्रुप के साथ काम? जी नहीं, सिर्फ कारवान मेरा पहला और आखिरी जो उर्दू का या थिएटर मेरा ग्रुप था वो कारवान। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर ड्रामे की तरफ आमद, स्क्रीन की तरफ कैसे? PTV क्वेटा ने ऑडिशन किया था, कासिम जलाली साहब वहाँ पे पोस्टेड थे, कासिम जलाली साहब ने एक ऑडिशन किया एक ड्रामे का, नकाब संग, ठीक है, और उसी दौरान मेरी जमाल शाह साहब और फरियाल गौर भी थी उसमें, और उसमें उन्होंने एक छोटा टीनेजर लड़का चाहिए था बिरावी बैकग्राउंड से, ठीक है, तो वो ऑडिशन मैंने कुछ 7-8 लड़कों में मुझे पास किया गया। आप थिएटर कर रहे थे? मैं उस जमाने में थिएटर में उनके साथ काम कर रहा था, तो उन्होंने मेरा ही ऑडिशन किया जलाली साहब ने। ये कौन सा सन है जब? ये है 1986। तो जमाल शाह साहब, फरियाल बीबी और जलाली साहब, इन्होंने ऑडिशन किया, सज्जाद साहब भी होते थे उस जमाने में, ठीक, तो इन्होंने मुझे उस ऑडिशन में पास किया, और उसके बाद वो प्ले मुझे मिला, किरदार सीरीज का था नकाब संग, ठीक, बिल्कुल सही, वो मेरी शुरुआत थी। फिर आगे किस तरह सिलसिला बढ़ा? फिर एक ऐसी एज होती है जिसमें आप ना बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं, टीनेजर था मैं, ना दाढ़ी निकलती थी, आवाज़ ही बदल गई थी, और मेरी बहुत मोटी आवाज़ होती थी, लोग कहते थे यार तुम्हारी आवाज़ से तुम बहुत बड़े आदमी लगते हो, शिकल से तुम बच्चे लगते हो, तो मैं फंस गया, कुछ 4-5 साल मैंने काम नहीं किया। फिर एक और जलाली साहब ने कुछ एक टेलीफिल्म की का नाम था कोकन, बाद में उससे बहुत सारे अवार्ड भी लिए बहुत सारे लोगों ने, और उसमें भी मैंने काम किया छोटे से करेक्टर, और फिर आस्ते आस्ते बाद में TV के बहुत सारे ड्रामे चले, फिर एक प्राइवेट सीरीज थी यकीन, फिर फरियाल बीबी की मैंने पेजवान एक फिल्म थी टेलीफिल्म वो की, और टीबी गली की, फिर जमाल शाह साहब के बहुत सारे ड्रामे किए, कमान किया और कल किया, और इस तरह से फिर कोई ऐसा प्ले टीवी का कोई ऐसा प्ले जिससे आपका दिल लग गया हो कि ये काम मैंने कुछ सही कर दिखाया? मैंने नहीं ख्याल कि मैंने कोई अच्छा काम किया। इसका मतलब है सारा काम आपने अच्छा किया। मैं कोशिश करता रहा हूँ कि अच्छा हो जाए। मेरा डायरेक्टर अगर खुश हो जाता तो मैं कहता हूँ ये शॉट सही हो गया, इससे अच्छा कर सकता हूँ। मुझे पजीराई मिली सबसे ज़्यादा वो मिली जंजीर से। सही, फैसल बुखारी साहब का सीरियल था और वो बहुत हिट हुआ, और 3 साल तक मुसलसल एवरन्यू ने उस पर 3 साल तक मुसलसल बेस्ट TV सीरीज़ का अवार्ड जीता, और वो एक ऐसा सीरीज़ था जिस पर मुझे बहुत लोगों ने सराहा, और उसके बाद मुझे बहुत सारा और काम मिला। सही, लेकिन फिर अचानक मैंने सब कुछ छोड़ दिया, TV छोड़ दिया। हाँ, ये अचानक जो आपने सब कुछ छोड़ दिया TV और थिएटर से, आप जो निकल के फिल्म की तरफ आ गए, ये कैसे फैसला हुआ, कैसे? मैं बेसिकली कुछ, एक तो मेरी अपनी इस फील्ड के अलावा मैं बहुत सारे और काम करता हूँ, बिजनेसेस करता हूँ, और तो और फिर फैमिली में कुछ ऐसी ट्रेजडीज हो गई थी जिस पर मैं थोड़ा सा रुक गया था, और मैं TV में कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाहता भी नहीं था, क्योंकि TV का एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो है ना वो कोई बहुत हल्का सा ही होता है, वो थोड़े अरसे के लिए रहता है, उसके बाद डिसॉल्व हो जाता है, और पैसे भी इतने मिलते हैं कि वो कुछ दिनों में ही खर्च हो जाते हैं, और उसके बाद बंदा जो है ना वो फारिग हो जाता है। बिल्कुल, मैंने जो मेन काम किए हैं चाहे वो मोर है चाहे वो ऑपरेशन 021 है, ये दोनों ऐसे काम हैं कि जो बहुत बड़ी फिल्में थी, लेकिन मैंने उन पे उनसे पैसे नहीं लिए दोनों फिल्मों पे। अच्छा, वो इसलिए किया क्योंकि वो उसमें मेरे मेरे लोगों को और मेरे शहर के लोगों को, प्लस ऐसे लोगों को मैं मौका, यानी मैं उनके साथ काम करना चाह रहा था जो खुद बेचारे स्ट्रगलिंग मूड पे हैं और कुछ करके दिखाना चाहते। तो किन लोगों को आप? जामी साहब ने काम किया था वो, और जेबा बीबी ने किया था, तो उसमें वो उनका एक्सपेरिमेंट था, और मेरी ख्वाहिश थी कि उसमें मैं एक डिफरेंट जो एक बंदे पोटेंशियल होती है एक एक्टर में वो मैं डिलीवर कर सकूँ, तो मेरी किस्मत थी बहुत अच्छी, अल्लाह ने बड़ा जो है मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मौका मिला, और मैंने वो कोशिश की। अब अल्लाह जानता है कि मुझे, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करूँगा, नहीं जो ऊपर वाले ने जितनी मुझे इज्जत देनी थी अल्लाह ने वो दी। नहीं, आप हम मानते हैं और जानते हैं आपके काम को। तो आपने जो फिल्म के लिए जब फैसला किया, तो होता है ना आदमी बैठ के क्राइसिस से जब निकलता है तो सोचता है कि यार मुझे इस रास्ते पे जाना है, तो क्या प्लानिंग की, क्या ख्वाब देखे थे? कभी सोचा था कि हॉलीवुड में बैठे हुए होंगे और इस तरह काम हो रहा हो? हॉलीवुड का तो मैं देखे बचपन से ख्वाब देख, अच्छा, का तो मैं बचपन से ख्वाब देख रहा हूँ, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहता हूँ हमारे हम लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, स्पेशली क्वेटा वाले, हम जो है ना वो इंडियन फिल्मों से मुतासर नहीं होते, हमारे लोग पुराने लोग हैं जो मेरी एज के लोग हैं, उन्होंने वेस्टर्न सिनेमा देखा है, उन्होंने काउबॉयज की जितनी फिल्में हैं वो देखी हुई हैं,
उनको उनका हीरो क्लाइंट ईस्टवुड है, चार्ल्स ब्रॉन्सन है, या सर्जियो लियोनी की फिल्में उन्होंने देखी हुई हैं, वो इस तरह का सिनेमा उनको पसंद था। और हमारी लोकेशन सारी ऐसी ही हैं, मैंने आप कभी क्वेटा भी आए हो या नहीं आए, कभी आए तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो हम उस लोकेशन से और अपने आप को बहुत एफिलिएट करते हैं उस कल्चर से, और उसके अलावा जो फेसेस हैं और जो एक्टर्स हैं वो मैंने बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो हमारी एक ख्वाहिश होती थी कि यार हम इस तरह से अपने आप को काम करके ये इस तरह से मनवाएं। तो उस तरह का मौका भी अल्लाह ने मुझे दिया। और एक ब्रिटिश फिल्म थी कंधार ब्रेक जी, वो मेरे पास आए कुछ लोग थे और उन्होंने वो फिल्म करना चाही। शुरू में उनकी स्टोरी कुछ और थी, बाद में स्टोरी बदल गई। जो बदली वो बाद में मुझे जाके अफ्रीका में शूट की, क्योंकि उसमें वो ऐसे सीन नहीं थे कि पाकिस्तान में हो सके। जो पाकिस्तान में होनी थी उसमें मैं उनके साथ था, और बाद में अफ्रीका जब हम गए तो मजबूरन मुझे एज एन एक्टर काम करना था। मैं प्रोड्यूसर भी था उनका, प्रोड्यूसर मीन्स कि मैं उनका लाइन प्रोड्यूसर था, फिक्सर था। बाद में उन्होंने मुझे अपग्रेड करके प्रोड्यूसर का टाइटल दिया। सही। तो उसमें मैं कुछ डिलीवर कर सका, और ये खुशकिस्मती से जो मेरे क्वेटा के एक्टर थे उनके बारे में जो वेस्टर्न मीडिया था, प्रिंट मीडिया स्पेशली, उन्होंने बड़ी तारीफ की, जो मेरी अचीवमेंट थी। मैं समझता हूँ कि मैं ये दिखाने में, ये मार्केट करने में कामयाब हो गया कि हमारे शहर के लोग कुछ कर सकते। सही। तो आपका इसीलिए रुझान था कि डॉक्यूमेंट्रीज के ज़रिए इंट्रोड्यूस करवाया जाए अपने इलाके को, ये भी आपकी सोच? डॉक्यूमेंट्रीज में तो मेरी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं, मेरा कंट्रीब्यूशन न्यूज़ में था और फीचर्स लेंथ सिनेमा में था या फिक्शन में था। ठीक है। फिक्शन में एक काम तो मैंने वो किया, और फिर उसके अलावा एक मलेशियन फिल्म मैंने की लैला एंड कैस, वो भी एज अ प्रोड्यूसर मैंने की। ठीक। उसमें मैंने खुद काम नहीं किया, एज एन एक्टर मैं उनके साथ उनकी हेल्प की, और वो भी बड़ी अच्छी फिल्म। अच्छा, अब आप इन दिनों अमेरिका में होते हैं और मुख्तलिफ आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे भी हम बात करें, लेकिन उससे पहले हम ज़रा ये डिस्कशन ख़त्म कर लें। तो वहाँ जो अब काम हो रहा है उसमें आप क्या देख रहे हैं अपने लिए, और किस तरह का काम आप कर रहे हैं या इरादा रखते हैं? देखिए, मैं लास्ट ईयर वहाँ पर मूव हुआ था, मुझे ओवन वीज़ा मिला था। ओवन वीज़े में वो होता है पीपल विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी। ठीक। उसमें ये फ़ायदा होता है कि आप काम कर सकते हैं, और आप शायद पहले अदाकार हैं जिसको इस बुनियाद पर, पाकिस्तान से पहला एक्टर हूँ जिसको ये मिला। और मेरी खुशकिस्मती है कि सिर्फ मुझे ये नहीं मिला, मैं वहाँ पर सैक के लिए भी अप्लाई किया, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के लिए, और उन्होंने मेरा काम देखते हुए मेरी मेम्बरशिप की, उनके बोर्ड ने अप्रूवल दी, और मैं लास्ट ईयर बल्कि इसी ईयर शुरू में मैं मेरी मेंबरशिप हुई, और मैं उनका भी फुल फ्लैज मेंबर हूँ सैक का। और उससे बड़े फ़ायदे हैं मुझे, फ़ायदे ये हैं कि उनकी यूनियन बहुत मजबूत है, उनका काम बहुत डिफरेंट है, उनका काम बहुत ही प्रोफेशनल है। मेरी वहाँ पे भी यही ख्वाहिश है कि किसी तरह से उनके साथ मिलके हम जॉइंट वेंचर करें। मेरा जो मेन फोकस है, मेरा मेन जो टारगेट है वो यही कि मैं अपने मुल्क के लोगों को जिन्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ूँ। लोग चले जाते हैं, अपने आप को मनवा तो लेते हैं, कनेक्टेड करें, कनेक्ट करें, मार्केट खोलें मेरे दोस्तों के लिए। यानी हमारे मुल्क में मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, हमारे पास कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं है जिसको काम नहीं आता है, काम बहुत अच्छा आता है। मेरे मुल्क में अल्लाह ने हीरे रखे हुए हैं, बस सिर्फ कुछ जो क्या कहेंगे इसके कि जोहरी मिल नहीं रहा जो उसे मार्केट कर सके। सही बात, बिल्कुल। मार्केट की कोशिश है, सिर्फ वो नहीं, हमारे बहुत सारे जो टेक्निकल लोग हैं, टेक्नीशियंस हैं, इनकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हो जाए, ग्रूमिंग हो जाए, या मेरे एक्टरों की थोड़ी ग्रूमिंग हो जाए, मार्केट हो जाए, तो इन सब के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल सकती है। अच्छा जी, जी जी प्लीज। तो एक ख्याल ये भी है, हो सकता है कि ये पुरानी बात हो, लेकिन इन दिनों ऐसा है कि नहीं, कि मगरबी सिनेमा में और ख़ास तौर पर हॉलीवुड में इंडियन लॉबी की बड़ी ग्रिप है? देखें, जहाँ पर आपके बंदे नहीं होंगे, जहाँ पर एक ही जैसे बहुत सारे लोग होंगे, ज़ाहिर वहाँ पर आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लॉबी, नो डाउट लॉबी है, और लॉबी सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो आपके खिलाफ है, लॉबी इसलिए भी है कि वो काम कर रहे हैं, उनका काम बिक रहा है। सही। और उनका काम हमसे बेहतर है। सही। अगर हमारा काम उस लेवल का होता तो वहाँ पर अमेरिकन ये नहीं देखते कि आप कौन से मुल्क से हैं। ठीक। उनके लिए काम अच्छा होना इम्पॉर्टेंट है। अगर वो तुर्की का ड्रामा चला सकते हैं, अगर वो चाइना की सीरीज चला सकते हैं, अगर वो कोरिया की चीज़ चला सकते हैं, तो पाकिस्तान का मसला नहीं होना चाहिए उनके लिए। या इंडियन अगर कंटेंट चला रहे हैं, अगर नेटफ्लिक्स से बहुत सारे उनके काम आ रहे हैं, तो हमारा मुल्क का मैंने इंशाल्लाह, अगर हमारी क्वालिटी उस स्टैंडर्ड की हो, हमारी स्टोरीज उस काबिल हो कि वो देखी जा सके, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक। इस हवाले से मैं भी काम कर रहा हूँ, और कोशिश है कि कुछ पिच करूँ, और फरहान ताहिर साहब के साथ, और दो चार और हमारे जो पाकिस्तानी एक्टर्स हैं। अब ये बताइए कि एक आखिरी बात इस तनाजुर में जो गुफ्तगू यहाँ हो रही है, कि बहुत सारे हमारी नई नस्ल के बच्चे, लड़के लड़कियाँ फिल्म पढ़ के आ रहे हैं। अच्छा, उनको ख्याल ये है कि शायद फिल्म पढ़ने से वो फिल्म कर लेंगे,
क्या फिल्म पढ़ने से फिल्म कर सकता है आदमी, या उसके लिए आपके अंदर कोई और भी दीवानगी और कोई चमक दमक होनी चाहिए? मैं उन सब लोगों को एक मशवरा देना चाहूँगा आज कि बजाय इसके कि आप पैसे लगाकर किसी स्कूल में जाकर फिल्म पढ़ें, आप उसी पैसे से कुछ छोटी सी फिल्म बना लें। बिल्कुल सही, आप सब कुछ सीख जाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत सारे आजकल नो फिल्म स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं, ट्रेनिंग भी होती हैं। नो फिल्म स्कूल जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत एक लेजिमेट एक आंसर है सबके लिए, और होना भी ऐसी चाहिए। जब तक आप खुद घुसेंगे नहीं, आप समंदर में छलांग नहीं लगाएंगे, आप तैर नहीं सकेंगे। और पढ़ने से मैं अगर तैरना सीख जाता तो शायद आज मैं बड़ा तैराक होता। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको हमने माजी में लेके जाना है, शुरू से बिल्कुल इब्तदा से बताइए अपने ख़ानदान के बारे में। आपका मारूफ ख़ानदान है क्वेटा का, अपने बुजुर्गों के नाम थोड़ा बताइए हमारे देखने वालों को, फिर अपने वालदैन के बारे में और बहन भाई के बारे में। मेरी फैमिली क्वेटा में, हम जाकर बसे हैं वहाँ पर। हम इंडिया से आए थे, हिंदू से मुसलमान हुए, हम शेख हैं। किस इलाके से इंडिया से? ये मुझे इतनी पुरानी तारीख तो नहीं मालूम, लेकिन हिंदू से मुसलमान हुए हैं, शेख हैं। और सुमरो फैमिली जो हैं शिकारपुर की जी, उन्होंने मेरे दादा को मुसलमान किया था। और शेख अब्दुल रज़ाक मेरे दादा थे। और जो मीरी है खान कलात की, उसमें हमारा रिकॉर्ड मौजूद है, क्योंकि हमारी फैमिली जो हिंदू ब्राह्मण थे, तो जितने मंदिर हैं वो शिकारपुर से लेकर कंधार तक ये मेरी फैमिली के पास थे। और जब वो मुसलमान हुए तो उसके बाद जो उनका नेटवर्क था, जो उनका बिजनेस था, अर्थक्वेक से पहले क्वेटा में अर्थक्वेक 1937 में आया जी, वो बिजनेसेस में इन्वॉल्व थे और बहुत अच्छे सरमायदार थे शेख अब्दुल रज़ाक जी। और उसके बाद जो मेरे वालिद साहब थे शेख अब्दुल रहमान, वो बहुत बड़े फुटबॉल के प्लेयर थे, कलकत्ता मोहम्मडन से फुटबॉल खेलते थे और क्वेटा से अफगान क्लब क्वेटा के को रिप्रेजेंट करते थे। मेरे चचा भी शेख इब्राहिम, ये वो टीम है, वो लोग थे जो यहाँ से बाकायदा इंडिया जाकर और इन टीमों के साथ, ब्रिटिश टीमों के साथ पायलुच यानी नंगे पैर खेला करते। वाह, ये मेरे वालिद साहब थे। प्लस मेरे भाई, अल्लाह बख्शे, दो भाई थे मेरे जो बिज़नेस में क्वेटा में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बिज़नेस है उसमें, दोनों भाई मेरे अल्लाह बख्शे दोनों फौत हो गए, शेख निसार और अब्दुल वहीद शेख, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के किंग थे क्वेटा के। सोनी सेंटर, सोनी हमारे पास है, सोनी पाकिस्तान में जो सोनी डिस्प्ले सेंटर है जी, ये पाकिस्तान में पहला डिस्प्ले सेंटर हमने क्वेटा में बनाया, उसके बाद ये पाकिस्तान में इसकी ब्रांच आई। और सोनी का VHS हमने जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया, उससे पहले बीटा मैक्स होता था। और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा जो है हमारी प्रॉपर्टी के बिजनेस, ये हमारी फैमिली के पास है, ये एक छोटा सा मेरा नेटवर्क है। सही, आपकी पैदाइश कब की है? मेरी है जी 69 की पैदाइश है, और मैं क्वेटा का रहने वाला हूँ और क्वेटा में ही रहता हूँ, और क्वेटा जो है वो मेरी माँ भी है, मेरा सब कुछ मेरा क्वेटा। सही बात है। और तालीम आपकी कैसे सिलसिला, कहाँ से स्कूलिंग? मैं तालीम जिस तरह से हमने तालीम हासिल की है उस तालीम को मैं तालीम नहीं समझता, लेकिन मैं ये यहाँ पर ज़रूर डिग्री कॉलेज से बात करूँगा। मेरी वालदा रहसानी है, बिरावी ट्राइब से उनका ताल्लुक है। तो हमारे नवाब साहब कहते हैं कि डिग्री होता है, चाहे असली हो चाहे नकली। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। तो अब जो है, आपने जो चीज़ें बताई हैं, जिस तरह की आपका प्लानिंग है कि आप आगे ये सारा काम करेंगे, तो आप क्या देखते हैं पाकिस्तान में अब किस तरह से ये इम्प्लीमेंट हो सकेगा कि कोई जॉइंट प्रोडक्शन हो सके और ये चीज़ें आगे बढ़ें? देखिए, हम सिर्फ अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमें बहुत सारे इदारों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, स्पेशली ISPR को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वन विंडो ऑपरेशन करना पड़ेगा। वन विंडो ऑपरेशन में वो हमें फैसिलिटेट करें, इंटरनेशनल जो फिल्म मेकर आता है हमारे मुल्क में उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें कि वो वन विंडो में आकर ही उसको जो है परमिशन मिल जाएँ, उसको टैक्स इंसेंटिव मिले, उसको जो जितने डिपार्टमेंट हैं, टूरिज़म है, अगर उसको लोकेशन चाहिए तो वो उसके साथ हेल्प करे, उसको फ्री प्रोवाइड करे। बाकी जितने इदारे हैं, जितने हमारे कॉरपोरेशन्स हैं, PTV हो गया के स्टूडियो अगर यूज़ करना चाहे तो वो PTV के जो वैसे ही नाकाम हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, उनको यूटिलाइज़ कर सके। हमारी कॉरपोरेशन में PIA है, उनकी एयरलाइन को चाहिए कि वो उनको स्पॉन्सर करे, 50% पे उनको जो है टिकट्स दे। नॉर्दर्न एरिया में जो है जाकर शूटिंग के बहुत अच्छे मौके हो सकते हैं, हमारे ग्वादर में बहुत अच्छे काम हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें सारे इदारे मिल के जब तक एक वन विंडो सेंटर नहीं बनाएंगे, हमारे गवर्नमेंट को सबसे पहले ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। फिर ISPR को चाहिए, अगर कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट बड़ी चाहिए तो उन सबको प्रोवाइड करें ताकि हम किसी तरह से पहले अपनी चीज़ों को मार्केट कर सकें। जब तक हमारी से मार्केट नहीं होगी इंटरनेशनली, किसी को नहीं पता कि हम क्या हैं। हमारा जो चेहरा दिखाया जा रहा है किसी भी मीडिया पर, चाहे हॉलीवुड के जरिए चाहे वो बॉलीवुड के जरिए, वो बहुत ही एक मस्त सा चेहरा है जो हमारा चेहरा नहीं है। हम बहुत ही डिफरेंट तरह के लोग हैं जो दुनिया को शायद पता ही नहीं है। दुनिया को बताने के लिए सबसे पहले हमें अपने दरवाजे खोलने होंगे। हमें NOCs की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमें
फिल्म मेकर को एज ए फिल्म मेकर ही जो है ना वो कंसिडर करना चाहिए, बजाय इसके क्योंकि आप अगर कभी जाएं फिल्म मेकर के लिए एनओसी देने के लिए तो आपको जो है ना वहाँ पर एनओसी मिलता है एज ए जर्नलिस्ट। फिक्शन फिल्म बनाने वाले का जर्नलिस्ट से क्या ताल्लुक? जर्नलिस्ट बेचारे को जब बाहर से आता है उसको एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि सुबह मॉर्निंग में आपने लाइट के बाद निकलना है और शाम 5 बजे से पहले पहले आपको वापस अपने होटल में चले जाना है और उसके पीछे जो है फोर्स भाग रही होती है। आप एक फिल्म मेकर बेचारा वो तो कहता है यार रात को 2 बजे मैंने शूट करना है, मुझे सुबह मॉर्निंग में 4 बजे निकलना है ताकि सूरज में कैप्चर कर सकूँ, या मैंने उस लोकेशन पर जाना है जहाँ पर इजाज़त नहीं मिलती। तो ये गवर्नमेंट को थोड़ा सी रिलैक्सेशन देनी चाहिए, प्लस जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको मार्केट देखनी चाहिए। हमारी मार्केट सिर्फ ये पाकिस्तान नहीं है, बहुत बड़ी मार्केट है अगर हम इंटरनेशनल चीज़ें प्रोड्यूस कर सकें। अच्छा, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में जो काम हमारा सुनहरी दौर गुजरा थोड़ा बहुत, आपको किसी का कोई काम पसंद है, किसी को आप लाइक करते हैं? मैं किसी के खिलाफ भी नहीं हूँ, मेरे लिए तो सबका काम अच्छा है, लेकिन आइडियलिज्म भी तो होता है ना कि यार ये ऐसा काम है कि जैसे अगर मुझसे कोई पाकिस्तान का बेहतरीन विलन पूछेगा तो मैं कहूँगा असलम परवेज साहब का काम बहुत, या क्वेटा से जो इस्माइल शाह साहब थे वो डांस और जदीद जो टच था उस सिनेमा में हमने देखा जब हम छोटे थे बड़े हो रहे थे, तो इस्माइल शाह साहब का काम यूनिक काम। तो इस तरह कभी कोई आपको कोई चीज़ अट्रैक्ट की हो? देखिए जितने भी काम आ रहे हैं चाहे वो कोई बिल्ली नचा रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, कमर्शियल सिनेमा या पैरेलल सिनेमा, आइडिया ये है कि आपको प्रोटीन हो और अगर कोई चीज़ बिक रही है वो किसी भी तरह से बिक रही है। मैं देखा माशरे की जिम्मेदारी भी हमारे शोल्डर्स पे आती है, लेकिन ये कि काम होना तो चाहिए कम से कम, कुछ तो हो। जब जहाँ पर कुछ भी नहीं है वहाँ पर कुछ थोड़ा सा जो हो रहा है उसको भी अगर आप दबाएंगे फिर हम क्या करेंगे? इन द एंड कुछ भी नहीं होगा, हमें बाहर से कंटेंट मंगवाना पड़ेगा और वही चलाना पड़ेगा, और उनकी बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ नाचती, हमारी बिल्ली इतनी तेज़ नाच भी नहीं सकती। तो अब ये है कि आप फिल्म से आपका ताल्लुक़ है तो टीवी पर स्क्रीन्स पर सब जगह आप दिखाई देते हैं, तो बच्चे आपके और फैमिली किस तरह इसको देखती है और वो क्या चाहते हैं? बच्चों का कोई ड्रीम स्ट्रीम है कि आगे चल के आपकी इंडस्ट्री को ज्वाइन करें? मेरे बच्चे माशाल्लाह उन्होंने मेरे साथ काम किया हुआ है, अगर आप मेरी मूवीज देखें मोर में मेरे साथ। अच्छा, दोनों वो आपके बच्चे हैं? ये बहुत हमारे लिए इंकशाफ है। बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता, मोर में जो बच्चे थे वो मेरी यंग जो उन्होंने एज जी 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 दिखाई थी जी, वो प्लस मेरे बड़े भाई की जो यंग एज दिखाई थी छोटी एज दिखाई थी वो मेरे दोनों बेटे थे। अच्छा, अब तो माशाल्लाह जवान हो गए जी, आप तस्वीरें मैं आपको देखूँगा, आप तस्वीर देख सकते हैं। वाह, दोनों कनाडा में रहते हैं, एक बेटा मेरा भी मेरे साथ है आज कल सुबह वो भी चला जाएगा कनाडा, उनका बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट है और वो कुछ करना चाहते हैं थोड़ी बहुत, मेरे अलावा उन्होंने काम भी किए वहाँ पर कुछ मॉडलिंग कुछ एक्टिंग, और मैं कोशिश मेरी भी है कि उनके साथ मिलकर कुछ किया जाए। सही, जब आप सेट पे सारी फैमिली स्पेशली जब बच्चे साथ होते हैं तो सीखने सिखाने का जो है बड़ा अच्छा एक दौर चलता है और बड़ा मज़ा करता है बंदा, वो एक लग्जरी होती है उस वक्त। सही बात कि बंदा जो है वो साथ सब मिल के कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, खुदा के लिए जो फिल्म थी किसी हद तक उसको भी मतनाज़ा समझा गया हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ वो ट्रेंड सेटर भी साबित हुई इंडस्ट्री में। शुएब साहब का कोई और काम इतना मुतासिर नहीं कर पाया जितना कि खुदा के लिए उन्होंने बतौर फिल्म साज जो काम किया, तो उसमें आपका किरदार भी तो बहरहाल मुतनाज़ा ही था एक तरह से, तो फिर भी आप राज़ी हो गए वो करने के लिए? मेरा असल में मेरी किस्मत ऐसी है कि शुएब साहब की उस फिल्म में मेरा करेक्टर बहुत छोटा सा था जी, और जब वो करेक्टर शुरू किया गया तो मुझे जो स्क्रिप्ट मिला था, मैं वाहिद आदमी था जिसके पास स्क्रिप्ट था, और मैं शुएब साहब के साथ सुबह निकलता था और रात तक उन्हीं के साथ होता था, यानी सारी शूटिंग में मैं उनके साथ एक किस्म का कोऑर्डिनेट कर रहा होता था, सारा असिस्ट कर रहा होता था। वो मेरा नाम तो कहीं नहीं चला, शुएब साहब ने कहीं मेरा नाम नहीं दिया, लेकिन मेरे अच्छे दोस्त हैं और शुएब साहब फिल्म से पहले मेरी जान पहचान थी उनके साथ। कैरेक्टर किसी और साहब का था जो कंटिन्यू नहीं कर सके। अच्छा, इन द एंड क्या हुआ कि जो वो कैरेक्टर जो ट्रैक था वो ट्रैक उठा के शेर साहब ने मेरे गले में फिट कर दिया और मजबूरन मुझे मेरे ही कैरेक्टर को एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, इन द एंड वो एक बड़ी अजीब सी कहानी बन गई कि मैं इसको एंड तक लेके चला, और मेरा क्योंकि पहली एक परफॉर्मेंस थी और वो उस जमाने की मेरा ख्याल है लास्ट फिल्म थी जो 35 पे शूट हो रही थी। अच्छा, क्या आप बतौर फिल्म साज पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में आप देखते हैं कि कोई फिल्म आप प्रोड्यूस करेंगे?
मैं मुस्तकबिल में तो नहीं, बहुत जल्द प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं कुछ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो कि एक पीरियड पीस है ब्रिटिश राज के हवाले से। ठीक है। नोमैडिक ट्राइब्स अफगानिस्तान से जो आते हैं, जो कि एक मूवमेंट है अफगानिस्तान के ऊंचे पहाड़ों से, जो ब्रिटिश ज़माने में ब्रिटिश इंडिया में आते थे जी, वो अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि हम भी अपने मुल्क की जो सरहदें हैं, जैसे इंडिया ने बाढ़ खड़ी कर दी, हम भी अफगानिस्तान के साथ बाढ़ खड़ी कर रहे हैं। जो नोमैडिक ट्राइब्स जो आते हैं, खिलजी ट्राइब है या सलमान खेल जो लोग हैं, वो ऐसा सा बंद हो जाएंगे। ठीक। तो एक ऐसी एक कल्चरल एक मूवमेंट थी जो कि ऐसा सा ख़त्म की जा रही है, इंसानों ने जो दीवारें खड़ी कर दी हैं। नो डाउट हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है हमारे मुल्क को, और हमें करनी है, लेकिन उसका कोई ज़रिया नहीं बनाया, कोई रास्ता नहीं बनाया कि उस मूवमेंट को ना रोका जाए, जैसे जानवरों को हम नहीं रोक सकते। उस पर मैं एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट मैंने डिज़ाइन किया है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि किसी तरह से हॉलीवुड के साथ जॉइंट वेंचर में उसको लेकर किया जाए, क्योंकि वो ब्रिटिश ज़माने की है, तो मैं शायद ब्रिटिश एक्ट्रेस लेके और कुछ 90% हमारे देसी क्वेटा के पाकिस्तान के और कुछ कराची लाहौर के एक्टरों को लेके वो काम करूँगा। सही। मेरा एक बहुत बड़ा थीसिस है लिखने के हवाले से, और मैंने बहुत लिखा है पिछले कई सालों से मैं लिख रहा हूँ, वो मौजू है पाकिस्तानी फनकार और इंटरनेशनल सिनेमा। तो मैंने जो आपने नाम लिए उमर ख़ान और दूसरे, तब आप मैं सोशल मीडिया के थ्रू मैं इन सब से मैंने बात की और इनको ढूंढा और इन पर लिखा, और मैं मिला नहीं कभी इन लोगों से। अब आप वहाँ हैं और इस तरह के सारे पाकिस्तानियों से आपकी मुलाकात हो रही है, क्या सोचते हैं वो? पाकिस्तान से छोटी उम्र में चले गए, पाकिस्तान देखा नहीं, अब वो जब काम कर रहे हैं हॉलीवुड में, लेकिन उनकी शनाख्त पाकिस्तानी निसाद वाली है, चाहे वो रेज हों और चाहे उमर हों या चाहे और दीगर लोग हैं, तो ये किस तरह से पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कल्चर और सिनेमा को सोचते हैं? देखिए, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, बेसिकली मेरी ट्रेनिंग, मेरी ग्रूमिंग इस तरह की हुई है कि हम टीम वर्क पे जरा हम यकीन रखते हैं, और कोई भी काम टीम वर्क के बगैर नहीं होता। तो मुझे, या जिसे आप आम जबान में कहते हैं लॉबिंग, लॉबिंग के बगैर कोई काम नहीं होता, चाहे किसी भी मीडियम में आप देखें। मेरी ख्वाहिश है कि किसी तरह से उनको एक पेज पे लाकर हम कोई ऐसा एक नेटवर्क करें कि हम सारे एक फोरम बन जाए, फोरम करें बनाएं जिसमें हमारे दो चार लोगों के साथ मिलकर हम कुछ कर सकें। उनके दिल में भी वही मोहब्बत इस ज़मीन के साथ है, देखिए माँ है हमारी, हम इसको दुनिया में कहीं भी चले जाएँ। मुझे लोग कहते हैं यार आपको कैसे लगता है अमरीका, मैं कहता हूँ अमरीका बहुत अच्छी जगह है, लेकिन मेरी माँ तो पाकिस्तान में है। बेशक, हम कहीं भी चले जाएँ पाकिस्तानी रहेंगे ना, गैर असल बात ये है, वो भी ऐसी है, उनके दिल में भी ऐसी झड़प है और ऐसी मोहब्बत है, लेकिन ये कि वो बेचारे जिस तरह की उनकी टाइज हैं या जिस तरह की उनकी ग्रूमिंग है, थोड़ा सा टाइम लगता है उनको समझाने में, और वो तैयार हो जाते हैं अक्सर। और शुक्र अल्लाह का मेरे साथ कुछ 6-8 लोग खड़े हो गए जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, और वो अपने फील्ड में अपने काम में महारत रखते हैं, एक्सपर्ट हैं, और वो अगर आपके साथ खड़े हो गए तो मुझे तो इस बात पर खुशी है कि वो कम से कम मेरी बात उन्होंने सुन तो ली। आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत ही थोड़े वक्त के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, और कोरोना के हालात और हमने पूरी SOPs जो कि कैमरे की बिहाइंड हमने रखी हुई हैं उसके तहत हमने आज की मुलाकात की, आपसे गुफ्तगू की, हमें बहुत अच्छा लगा। आपके लिए नेक तमन्नाएं मेट्रो टीवी की तरफ से, मेट्रो लाइव टीवी की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, और सबसे बढ़कर बतौर मेरे शामिल हम मद्दा हैं आपके, हम सब आपके मद्दाहों की तरफ से, कि आप इसी तरह तरक्की करें, पाकिस्तान का रोशन चेहरा पूरी दुनिया में ले के जाएँ, और ये जो तारीकियाँ हैं और मसनूई तारीकियाँ जो हम पर तारीख की गई हैं 9/11 के बाद, ये एक एक करके छटें। तो आपका बहुत शुक्रिया, और नाजरीन आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की, मुमकिन है ये रिवायती गुफ्तगू से हट कर आज आपने ये गुफ्तगू सुनी हो, लेकिन इस गुफ्तगू में ख्वाब भी हैं, उम्मीदें भी हैं, जज्बा भी है, दीवानगी भी है, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात खुलूस है। तरबियत लेने में और दहशतगर्दी करने में बहुत फर्क होता है साहब, हमने आपको वही बताया जो हमने अपने आंखों से देखा था। क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ, कि हम इन दहशतगर्दों को अपने मुल्क में कार्रवाई करने दें और पुलिस इन्हें फिर पकड़े? साहिबा, चलो हमने माना साहब के वो दहशतगर्द लोग था, लेकिन उन 5 लोगों में 3 औरत लोग भी शामिल था साहब, जिनमें से एक औरत बच्चे का मां बनने वाला था, और हमारा मजहब में हालत जंग में भी
औरत और बच्चे पर हाथ उठाना आराम है, और तुम्हारा और हमारा मजहब एक ही है जमान साहब। जिनके खालब हमको रात को नींद नहीं आता है, उन लोगों के चेहरे सारा रात हमारा आंखों के सामने आता है। साहब तुमने बोला कि पेशी पे जा रहे, ये इताने में क्यों लाया साहब? अल्लाह का शिंका है, मत मारो, हमको मत मारो, खुदा के लिए। अल्लाह का कितने जालिम लोग है तुम लोग, खुदा तुम लोग को गारित करे, इस मासूम पर इतना जुल्म क्यों किया है? इसकी इस हालत के जिम्मेदार भी तुम हो अब्दुल्ला खान। हम जिम्मेदार हैं। हाँ हाँ, तुम और तुम्हारी जिद ने इसे साल तक पहुंचाया। हमारा जिद That guy, shut the fuck up. हेलो माँ, दो सौ मत कर मिजा शुमारा में गोशर बो पाले मरा जुद बजांग बजा। अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग मेट्रो लाइफ टीवी। हाय, माय नेम इज आमना इलियास, प्लीज देखते रहिए मेट्रो लाइफ विद मी।